नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद देवम। नरेंद्र मोदी के पिता बहुत साधारण तेलिया जाति के व्यक्ति थे जिनके 6 संतानें थीं जिनमें से एक नरेंद्र मोदी था। नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय का स्टॉल लगाते थे। इनकी पढ़ाई में बहुत रुचि नहीं थी पर इनके शिक्षक के अनुसार वे कुशल वक्ता थे। वाद विवाद में नरेंद्र मोदी को कोई पकड़ नहीं सकता था। मोदी जी ने वडनगर से स्कूल की पढ़ाई पूरी की व राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही मोदी जी को देश के प्रति प्रेम था। उन्होंने 8 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में अपना पंजीकरण करा लिया था। हिंदुत्व की ये बात BJP की जड़ है। 1967 में 13 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी का जसोबेन नामक कन्या से विवाह करा दिया गया। 18 की उम्र में जसोबेन का गौना कर उन्हें घर लाया गया, लेकिन छोटे नरेंद्र मोदी को विवाह में कभी रुचि नहीं थी, इस कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी हिमालय पर जाकर रहे और वहां से उन्होंने नई जिंदगी की तरफ रुख किया। घर छोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी कभी पीछे नहीं मुड़े, लेकिन हड़कंप जब मचा जब 2014 के नामांकन पत्र के दौरान नरेंद्र मोदी ने खुद को विवाहित बनाया। 2002 कोदरा कांड जिसने देश में हड़कंप मचा दिया। हजारों से भरी ट्रेन में आग लग गई, जिस कारण पूरे गुजरात में दंगा फैल गया। चारों तरफ हिंदू मुस्लिम अशांति थी। 2002 में नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत के साथ गुजरात की सरकार को नेतृत्व प्रदान किया। एक सफल मुख्यमंत्री की अपनी छवि को नरेंद्र मोदी ने 12 सालों के मुख्यमंत्री पद तक बनाए रखा। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सभी लोगों के चहेते नेता थे जिन्हें मुख्यमंत्री के रूप में सभी से भरपूर प्यार मिला। 2014 में हुए आम चुनाव में नरेंद्र मोदी जी BJP की तरफ से खड़े हुए और अत्यधिक वोटों के साथ विजयी रहे। 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली और अपना कैबिनेट मंत्रिमंडल बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश को एक नए मुकाम में ला दिया। आज भारत देश का नाम दुनिया भर में पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना कार्यकाल संभालते 3 साल हो गए हैं।